विदिशा में पिछले दिनों पंचायत मंत्री का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने पंचायत के कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने रोजगार सचिव भी कहा जाता है, सीआर लिखने का जिम्मा सरपंचों को देने की बात कही थी। इस बात का सचिव और रोजगार सहायकों ने पुरजोर विरोध किया है। प्रदेश के आह्वान पर सभी भवन जिलों में संगठन के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरपंचों के लिए यह शक्ति देकर वह प्रशासनिक प्रक्रिया को गड़बड़ा रहे हैं, इसका पूर्ण विरोध किया जाएगा। आज हम हमारे प्रदेश संघ के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में माननीय कलेक्टर महोदय को, जो अभी माननीय पंचायत मंत्री जी के द्वारा सरपंच को पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक की सीआर लिखने के संबंध में नया आदेश निकालने के लिए जो आश्वासन दिया गया है, उसके विरोध स्वरूप पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज विरोध प्रदर्शन के रूप में एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जब से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई तभी से पंचायत कर्मचारी जो शासकीय कर्मचारी उनकी सीआर लिखने की व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से की जा रही थी, जिससे कि शासन की जो योजना है उसको प्रभावी एवं न्यायपूर्ण तरीके से उसका क्रियान्वयन निष्पक्ष रूप से हो सके। जब सीआर करता एक जनप्रतिनिधि और पंचायत की मुखिया होंगे तो निष्पक्ष एवं जो शासन की योजना नियम पूर्वक तरीके से काम करने में असुविधा होगी, इसके संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। दूसरी हमारी जो मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, इसलिए क्योंकि मांग के अनुसार ही हम कार्य कर सकते हैं और उस पर अनावश्यक लेबर लगाने का दबाव शासन द्वारा ना हो, और 181 जो कि एक मांग आधारित योजना भी उस पर भी संतुष्टि पूर्वक उसको बंद कराने के लिए शासन द्वारा हम पर दबाव बनाया जाता है जो कि अनुचित है। जो मांग आधारित योजना है उसको जिला स्तर से फोर्सफुली करना चाहिए, इसके लिए हमारे कर्मचारियों पर दबाव नहीं बनाया जाए। आज हमारे सरपंच द्वारा सीआर लिखे जाने के संबंध में जो माननीय मंत्री जी द्वारा आदेश जारी करने के लिए सरपंचों की मांग पर माना गया है, एक उसके संदर्भ में है। दूसरा 181 जो बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, उसका मांग पे आदमी मांगता है कुटीर दे दो, ग्रेवल दे दो, इस तरीके की हमारी ये मांग आती है, 181 लगाई जाती है, इस पर दबाव बनाकर जिसका ही हमारी शिकायत करता है उससे हमसे ही कटवाने के लिए दबाव बनाया जाता है, ये सरासर शासन का गलत है। इसको 181 जांच कराकर उसको पुरस्कृत किया जावे, दबाव न बनाया जावे। तीसरी मनरेगा की योजना जो है, उसमें मनरेगा योजना एक शासन की एक ऐसी योजना है जो मांग आते योजना है, अगर किसी मजदूर द्वारा मांग की जाए तो उसके लेबर लगाई जाती है, जबकि हमने जबरदस्ती लेबर लगाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इस संबंध में आज हमने सभी सचिव एवं सहायक सचिवों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन दिया।